हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स. मैं हूं शिवम सानी. इन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल एक्सपेंडिचर का मतलब इन्होंने क्या बोला, परचेस पे है वो आपका गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाती DP@MP. एक फैक्टर और भी आपको ध्यान रखना, मतलब नहीं तो इसके मेन बस दो चीज़ें ध्यान रखना. थैंक फॉर वॉचिंग फ्रीकिंग कॉमर्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. एक्सपेंडिचर मेथड अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेंडिचर के ऊपर ही बनता है. सो एक्सपेंडिचर मेथड भी इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना है. एक्सपेंडिचर का मतलब इन्होंने क्या बोला, खर्च करते हैं हम मनी. तो मनी खर्च करने वाले कौन कौन से सेक्टर्स हैं, देखिए हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर में आती है. आपकी इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी है. 4 सेक्टर कौन कौन से हमारे पास होते हैं, सबसे पहले आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर है और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये टोटल हमारे पास पूरी इकोनॉमी हमारे 4 सेक्टर्स हैं. हाउस होल्ड सेक्टर का जो काम है वो किस चीज़ का है, वो कंजम्पशन करने का होता है. प्रोड्यूसर सेक्टर का किस चीज़ का काम होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम होता है, गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है. एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी क्या डीलिंग होती है, एक्सपोर्ट की एंड इम्पोर्ट की. ध्यान रखना एक्स इज फॉर एक्सपोर्ट एंड एम इज फॉर इम्पोर्ट. सो ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के और चारों सेक्टर्स में हम लोग डीलिंग्स करते हैं. तो चारों सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है अगर मैं उन सबको टोटल कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर मेथड बन जाता है, हर सेक्टर का टोटल पार्ट. सो अगर हम बात करते हैं हाउस होल्ड की तो हम इसको बोलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारे पास फाइनल गुड्स को कंज्यूम करने में कितना खर्च करता है. तो इसका पहला फैक्टर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो हाउस होल्ड सेक्टर को बिलोंग करता है. देन दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो ये शो करता है गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. कंजम्पशन बहुत जगह पे होता है, मेन उनका कंजम्पशन डिफेंस परचेज का है, डिफेंस गुड्स को परचेज करने पे कंजम्पशन हो रहा है. तो जो भी खर्चा डिफेंस परचेज पे है वो आपका गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है. तीसरे नंबर पे आता है नेट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. सो नेट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, विच मीन्स हमारे पास जो कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड है दिस शोज इन्वेस्टमेंट, दिस शोज इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट 2 लोग करते हैं, एक तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं और एक जो गवर्नमेंट है. तो इन सम का सम टोटल दैट इज नेट या ग्रॉस जो आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में डोमेस्टिक टेरिटरी पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान रखना, यहाँ पे फिक्स जो शो कर रखा है, फिक्स का मतलब होता है फिक्स कैपिटल पे, फिक्स असेट्स में. हमारे पास कैपिटल 2 तरीके की होती है, एक इन्वेंट्री एक फिक्स. हमने यहाँ पे फिक्स को काउंट कर लिया, इन्वेंट्री छोड़ दिया अभी. तो अगला पॉइंट किसके ऊपर बनेगा, इन्वेंट्री के ऊपर, दैट इज चेंज इन स्टॉक या सिंपल क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. जैसे मैंने अभी बताया इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक इन्वेंट्री. सो फिक्स को मैंने ऊपर काउंट कर लिया, इन्वेंट्री को मैंने नीचे प्लस कर लिया, तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स काउंट हो गए. कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट. एंड लास्ट सेक्टर हमारा क्या शो करता है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखेंगे हमने कितना सेल करा, क्योंकि एक्सपेंडिचर वहां से हमारे ऊपर आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, विच मीन्स हम सेल कर रहे होंगे वो लोग खरीद रहे होंगे. अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूं तो मेरा जो आंसर निकल के आता है वो आता है आपके पास NDP@MP या GDP@MP. अब आप कहोगे 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, हमें कौन सा कब लिखना है, कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट देखना है. यहां नेट है तो आंसर NDP@MP, यहां ग्रॉस है तो आंसर GDP@MP. आप देखोगे DP@MP, DP@MP सेम है,
दोनों में आंसर में डीपी एंड एमपी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का, यहाँ नेट यहाँ ग्रॉस, यहाँ पे नेट का यहाँ पे ग्रॉस का। अगर यहाँ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो आंसर आएगा एनडीपी एंड एमपी, यहाँ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो आंसर आएगा जीडीपी एंड एमपी। बहुत सिंपल हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करता हमारा आंसर। सारे प्लस होते हैं ध्यान रखना, माइनस कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स है तो प्लस है, नेट इंपोर्ट्स होगा तो माइनस हो जाएगा। एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं, इंपोर्ट ऑपोजिट। ऐसे चेंज इन स्टॉक में अगर ओपनिंग स्टॉक बड़ा है, यहाँ पे 10 दे रखा है या 5 है, तो माइनस का 5 आएगा, बट ऑब्वियस है, तो ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्टर और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस फिक्स्ड को मैं हटा दूं यहां से, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अगर हमारे पास यहाँ फिक्स्ड होता है तो ये चेंज इन स्टॉक भी प्लस होता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं होगा तो चेंज इन स्टॉक भी प्लस नहीं होगा। विच मीन्स अगर मैंने यहां से फिक्स हटा दिया तो मेरे इसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि अब ये बन गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें फिक्स्ड भी हो गया, इन्वेंट्री भी हो गया, अब मुझे फिर किसी चीज से मतलब नहीं है। तो इसके मेन बस दो चीजें ध्यान रखना, यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है तो एनडीपी एमपी या जीडीपी एमपी, यहाँ फिक्स है तो चेंज स्टॉक आएगा, फिक्स नहीं है तो चेंज स्टॉक भी नहीं आएगा। सो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो, किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे हम लिख दीजिएगा, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर। एंड अगर ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। रेस्ट आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेशनल इनकम बहुत ईजी है, टिपिकल नहीं है, दिमाग में मत लाना कि बहुत टिपिकल है, समझ नहीं आ रही, बहुत आराम से समझ में आती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे करना है, सब मैं आपको बताऊंगा, बेसिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं हम आंसर एक ही बार में निकालने की विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकिंग कॉमर्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।